हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय थर्ड चैनल जेएचपी गेमिंग। अभी हम खेल रहे हैं ट्रेन सिमुलेटर 2021 यानी TRS 2021, एंड उसमें हम खेल रहे हैं SR वर्जन 1 यानी सदर्न रेलवेज वर्जन 1 केरला रूट बाय जेरिन जॉर्ज जी। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके सो या आई एम रेडी। सो हेलो इंडियन रेल स्टार सुजॉय, गुड इवनिंग एंड वेलकम। एक्चुअली मुझे बार बार लोग डिस्कनेक्ट कर रहे थे फ्रॉम अमोंग अस क्योंकि सर्वर का प्रॉब्लम था, इसलिए ऐसा था। तो ठीक है, चलिए अभी हम इस ट्रेन को ड्राइव करेंगे। सुबह के 5 बजे का आपको व्यू चाहिए? चलो ठीक है, सुबह का 5 बजे का व्यू कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, और ये रहेगा अपना समर रहेगा सही से, सुबह सुबह कब है तो क्लियर सही रहेगा। लोकोमोटिव बता दीजिए एंड कोचेस, तो अगर मेरे पास लिस्ट में पड़ा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आई विल सी। ICF रेक्स। ओके, लोकोमोटिव बता दीजिए कि कौन सा लोकोमोटिव आपको इस समय चाहिए इसके साथ। तो हम कर लेते हैं अपना, और केरला एर्नाकुलम से स्टार्ट करते हैं हम। एर्नाकुलम जंक्शन प्लेटफॉर्म 1 सही रहेगा, WDP 4D। ओके लेट्स गो विथ WDP 4D लोकोमोटिव। ठीक है, तो ICF में मेरे पास फिलहाल एक यही है, ICF को ट्रिक सुबह के 5 बजे। लेट्स स्टार्ट। और भी बहुत सारे रूट्स हैं एक्चुअली, मैंने काफ़ी दूसरे फोल्डर में ट्रांसफ़र कर लिए हैं क्योंकि स्पेसिंग का प्रॉब्लम था जहाँ पे ये गेम पड़ा है। तो कुछ फॉरेन है, कुछ आने वाले रूट्स भी है जो कि फ़िलहाल दिखाना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने उन्हें कट पेस्ट किया है तो वो डिफरेंट फोल्डर। तो चलिए अभी हम क्विक ड्राइव सिनेरियो खेल रहे हैं इन SR वर्जन 1 यानी जेरिन जॉर्जी के रूट पे हम खेल रहे हैं। लोकोमोटिव जैसे कि इंडियन रेल सर जी ने रिक्वेस्ट किया था, WDP 4D कोचिस, ICF क्रेक्स कहा है उन्होंने, एंड टाइम सुबह के 5 बजे का। स्वर्णकुलम जंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे द जर्नी और हम जाएंगे टूवर्ड्स चेंगनूर वाया कोटायम, हालांकि एक ही रास्ता है वैसे जाने का। सो इस रूट का आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस रूट का अपडेट्स भी आप लोग को जल्दी मिलेगा, कुछ माइनर चेंजेस है जो रूट में आफ्टर रिलीज़ बताया गया है। आप में से काफ़ी लोगों ने उन्हें बताया भी, अपने सजेशंस दिए हैं, फीडबैक्स दिए हैं, तो जल्दी वो आप लोगों को अपने रूट का नया अपडेट देने वाले हैं जिसमें आप लोग को रूट में और सीनरीज मिलेंगे और मार्कर्स मिलेंगे, पोर्टल्स भी मिलेंगे, बिकॉज पोर्टल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है AI ट्राफिक्स के लिए। सो बहुत सारे चीज़ आप लोग को अपडेट के बाद दिखेंगे, उसमें कुछ नए असेट्स भी ऐड होंगे। ओके सो हमारा ये स्टार्ट हो गया, सुबह के 5 बजे का जर्नी। इसमें जला लूँ भाई, अंधेरा होएगा और अर्ली मॉर्निंग का जर्नी है तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहूँगा मैं। विंडोज़ भी खोल लेते हैं। ठीक 5:03 या फिर 5:04 पे हम इस ट्रेन को डिपार्ट करेंगे। ये 2-3 मिनट तो अपने को स्टेशन में ही घूमना पड़ेगा। गाइस हमारी ट्रेन एर्नाकुलम जंक्शन पे है, WDP 4D विथ ICF कोचेस, और समय है सुबह के 5 बज चुके हैं। ट्रेन को हम लोग 5:03 के आसपास डिपार्ट करेंगे, तब तक आप लोग को एर्नाकुलम जंक्शन भी दिखाऊं मैं।
और एक बार ट्रेन भी हम लोग देख ले, हमारी ट्रेन कितनी लंबी है, कैसा क्या हिसाब है अपने ट्रेन का, कि मुझे खुद को याद नहीं 18 डिब्बे वाली है या फिर 24 डिब्बे वाली है, बट अंदाजा कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। सो आई बिलीव ये शायद 24 डिब्बे वाली ट्रेन है, क्योंकि इतनी लंबी मैंने बनाई है, तो आई बिलीव ये 24 कोचिस की ट्रेन है। खैर वो हम लोग आगे ज़रूर देख लेंगे यार। एर्नाकुलम का साइडिंग है यहाँ पे, फ्राइट्स पे हम दिखा देंगे आगे आने वाले सिनेरियोस में, ट्रैफिक्स में काफ़ी बंदे लोग सिनेरियोस बना रहे हैं और काफ़ी अच्छे बेहतरीन सिनेरियोस बनाए हैं उन्होंने। और गाइस भारतीय रेल सिम जी के असेट्स भी इसमें यूज़ है, बहुत ही सुंदर असेट्स बनाए हैं उन्होंने। तो चलो अभी ट्रेन को डिपार्ट कर लेते हैं, 5:02 पे डिपार्ट कर लेते हैं। तो भाई साहब का हेडलाइट पता नहीं क्यों नहीं जल रहा है भाई, मैंने तो हेडलाइट इसका ऑन किया हुआ है, फिर से चेक कर लेते हैं। नहीं कुछ पंगा है, देखिए हेडलाइट इसके जल नहीं रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट सुझाव फॉर योर बेंगलोर चेन्नई रूट। तो आई थिंक सो ये AI वाली सेलेक्ट हो गई है मुझसे, जिसकी वजह से इसका हेडलाइट्स मैं ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। और इसका फुल हॉर्न भी नहीं बज रहा है, तो खैर इसका बाद में सोल्यूशन देख लिया जाएगा। और ट्रेन को भी हम डिपार्ट करते हैं। क्योंकि इसका बेसिक हॉर्न भी नहीं बज रहा है, बेल वाला हॉर्न बज रहा है। सो यस, इसको शायद रीइंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि हेडलाइट्स भी नहीं चल रहे। इंद्रजीत भाई गुड इवनिंग, वेलकम। ये लोकोमोटिव इतना पिकअप नहीं कर पा रहा, आई थिंक सो कुछ प्रॉब्लम होगा। आई एम फाइन इंद्रजीत भाई, आप कैसे हो? तो मेरे ख्याल से अभी ये भाई साहब का हेडलाइट शायद जला होगा, पहले नहीं जल रहा था आपने देखा था, बट क्या मुझे अभी कंफर्म नहीं, बट ये साहिबली हेडलाइट इसका अभी जला है, पता नहीं क्या पंगा था इसमें, ऑटोमेटिकली जल जाता है। खैर हमने हेडलाइट तो ऐसे ऑन किया हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं जल रहा था। हाँ ये भाई साहब AI वाले हैं, इसलिए देखिए अभी बीच में खुद ही हॉर्न मार रहे हैं। कोई बात नहीं, कंसिस को मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने कंसिस बनाया था वो भाई साहब AI वाले लोकोमोटिव सेलेक्ट हो गए हैं लगता है। कोई बात नहीं, उल्टा WDP4 में अलग ही मज़ा आता है यार। इनफैक्ट इट्स माई मिस्टेक कि मैंने शायद WDP AI वाला यूज़ किया है, सो इट्स नॉट एट ऑल योर फॉल्ट। आपकी इच्छा WDP4 की, तो वो अभी हम रन कर रहे हैं। देखो मैं थ्रॉटल 0 पे करेंगे, भाई साहब अभी भी यूमिंग साउंड कर रहे हैं, तो बाद में मैं इसे मॉडिफाई कर लूँगा। थैंक्स, इनफैक्ट आपके इस रिक्वेस्ट से मुझे पता तो चला कि इसमें मुझे चेंज करना पड़ेगा लोकोमोटिव को टू द प्लेयर वन, क्योंकि ये AI वाला यूज़ है।
भाई साहब देखो अभी भी हॉर्न मारा, जबकि मैं हॉर्न बिल्कुल नहीं मार रहा हूँ। ये वाला हॉर्न मैंने ज़रूर मारा है। सिनेरियो भी बनाएंगे, एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर दी अपडेट, जो अपडेट आने वाला है इस रूट का, जेरिन जी बनाने वाले अपडेट, तो उसमें आई विल डेफिनेटली मेक सिनेरियो। हालांकि बहुत जन सिनेरियो बना रहे, हरे कृष्णा जी बना रहे हैं, यानी गेम कोडिटोर्स, एंड इसके बाद रियल गेम सिमुलेशन जी भी सिनेरियोज बना रहे हैं, यतेंद्र सिंह जी भी सिनेरियो बना रहे हैं। आज ही मैंने उनका सिनेरियो देखा आर एस गेम सिमुलेशन के चैनल में, बहुत अच्छा सिनेरियो बनाया उन्होंने। सो गाइस भारत स्ट्रीम में आपको कुछ कुछ सिनेरियोज ऑलरेडी मिल जाएंगे, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड डाउनलोड एंड एंजॉय दिस रूट। अभी फ़िलहाल हम क्विक ड्राइव सिनेरियो खेल रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों ने जो लोकोमोटिव और रेक्स रिक्वेस्ट किए थे वो मैं सेलेक्ट कर पाया हूँ। गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल रूट दिख रहा है इस समय, आप देख सकते हैं हमें हमारे इस लाइव स्ट्रीम में बहुत ही ब्यूटीफुल रूट बनाया जरिन जी ने। बस मेरा मिस ये रहा कि मैंने लोकोमोटिव जो इसको अटैच किया वो एआई वाला है, यानी भाई साहब अपने मर्जी से जब चाहे हॉर्न्स मारेंगे। सो रवि डावे गुड इवनिंग, वेलकम। एंड गाइस क्योंकि बहुत ही शार्प कर्व है, इसलिए ट्रेन का स्पीड लिमिट 15 का है। एक बार हम इसे क्रॉस करेंगे तो हम ट्रेन को हाई स्पीड ज़रूर रन करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बहुत देर से थ्रॉटल को ज़ीरो पे रखा है, बट फिर भाई साहब अपना यूमिंग साउंड कर रहे हैं, क्योंकि एआई है, एआई अपने हिसाब से हॉर्न्स और साउंड को इस्तेमाल करेगा। क्योंकि ट्रेन इस समय चल रही है तो भाई साहब अपने हिसाब से जो स्पीड में चल रही है उस हिसाब से हॉर्न मारेंगे या फिर उस हिसाब से ट्रेन को रन करेगा, क्योंकि ये लोकोमोटिव एआई वाला है। तो जब तक ट्रेन रुकती है तब तक ये भाई साहब अपना यूमिंग का साउंड करते रहेंगे, भले थ्रॉटल मैंने अभी ज़ीरो पे ही रखा है, आपने देखा होगा। एंड गाइस ये देखिए सामने से एक लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है ईआरएस यानी एर्नाकुलम टाउन से, ये भी आप लोग को अपडेट में मिलने वाला है, ताकि आप भी इस लाइन को ज़रूर खेलें। देखो भाई साहब लोग, भाई साहब खुद ही हॉर्न मार रहे हैं, बढ़िया है, दिस इज़ रियली वेरी नाइस। एआई का चलो अपनी मर्जी के हिसाब से हॉर्न मारता रहता है, थोड़ा थॉटल दे देता हूँ मैं। अगर इस मेरे ख्याल से कुछ दिनों में आप लोग को इस रूट का नया अपडेट मिल जाएगा, जिसमें एर्नाकुलम टाउन भी रहेगा, कुछ सीनियरिस इम्प्रूवमेंट रहेंगे, कुछ और असेट्स ऐड होने के चांसेस है इसमें, ताकि आप लोग इस रूट को और इन्जॉय करें। अभी भी इन्जॉय कर ही रहे हैं नो डाउट, बट आगे और सीनरीज आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी कितना ब्यूटीफुल सीनरी, रात का जर्नी या फिर अर्ली मॉर्निंग का जर्नी कहो, अभी हम सुबह के 5 बजे हमने ट्रेन को रन किया है, काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा है इस समय भी। थोड़ा सॉ थ्रॉटल दे दूँ क्योंकि बहुत स्लो ट्रेन रन हो रही है। एंड क्विक ड्राइव का आई रिमेंबर कि वो मेन लाइन से जाती है, पिट लाइन से नहीं जाती, बिकॉज काफ़ी भाई लोग अपनी मेहनत करके सिनेरियोज बना रहे हैं, लेकिन ट्रेन बाय डिफ़ॉल्ट पिट लाइन से जा रही है। यस, कुछ कुछ लोगों ने रेक्टिफाई कर लिया उसे और ट्रेन अभी मेन लाइन से जा रही है, बट कुछ कुछ का नहीं हो पा रहा है, सो उन्होंने अपनी ट्रेन को पिट लाइन से ही रन करने का सही समझा है। और ये देखिए भाई एर्नाकुलम जंक्शन का अर्ली मॉर्निंग रन कर रहे हैं हम इस समय, बस अगले 2 मिनट में हम ट्रेन को स्पीड देंगे। सो हमें रियली हेड्स ऑफ टू जेरिन ब्रो, बिकॉज उन्होंने काफ़ी सुंदर रूट बनाया है। मेरे भाई साहब तक अभी भी यूमिंग साउंड कर रहे हैं, एनीवेज चाय पीने का समय आ चुका है। तो भाई साहब को मैं हॉर्न भी नहीं मार रहा हूँ, फिर भी खुद से ही मार रहा है, तो भाई ये मत बोला कि भाई भाई बहुत बहुत हॉर्न मारता रहता है। मैं हॉर्न नहीं मार रहा हूँ, ये एआई लोकोमोटिव गलती से मैंने अटैच कर लिया इसे, जो मैंने कंसिस बनाया था, तो खैर वो तो एक सिंगल कमांड लगेगा और ऑटोमेटिकली लोकोमोटिव रिप्लेस हो जाएगा।
ऐसे कंसेस गेम के अंदर नहीं बनते हैं, बाहर बनते हैं। बाहर इन सेंस कोई स्पेशल जगह से इम्पोर्टेड नहीं, यानी गेम के बाहर हमें इसे बनाना पड़ता है। तो हेलो हरे कृष्णा भाई, गेम पोटी टूट्स ग्रीनिंग, वेलकम ब्रो। फिलहाल हम क्विक ड्राइव रन कर रहे हैं। ओ या आई मीन हरे कृष्णा जी, ये अर्ली मॉर्निंग रन है या फिर नाइट में भी का, बिकॉज सुबह सुबह खेलो या रात को खेलो व्यूज सेम ही दिखेगा। बट यस, बहुत ब्यूटीफुल रूट बनाया है। आज जाके मुझे सच में पता हुआ है कि भाई जेरिन भाई ने इतना ब्यूटीफुल रूट बनाया है, क्योंकि अर्लियर हम लोग या तो विंटर में चला रहे थे या तो सुबह सुबह का चला रहे थे, हम इतने डार्क में नहीं चला रहे थे। आज पहली बार मैं इस इतने डार्क में इनका रूट खेल रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो अब लगता है कि भाई इस रूट में सिनेरियोस बनने बहुत ही ज़रूरी है, कि बहुत इन्जॉयमेंट आएगा। थैंक्स फॉर हरी कृष्ण, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया था आपको, गेम पूरी टोर्स रियल गेम सिमुलेशन जितेंद्र जी ये सभी सिनेरियोस बना रहे हैं, और भी बहुत जन बना है, लेकिन फिलहाल मेरे सामने तीन नाम है। रिंटू जी भी शायद बना रहे हैं, रिंटू थॉमस जी जो है। तो गाइस, काफ़ी लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है इस रूट के ऊपर सिनेरियोस बनाने में, एंड यस आई डू अप्रिशिएट। काफ़ी मेहनत लगती है सिनेरियोस बनाने में गाइस, इतना भी आसान नहीं होता सिनेरियोस बनाना। सो या थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थ्रॉटल फुल किया तो भी भाई साहब का इतना ह्यूमिंग साउंड नहीं आ रहा है, क्योंकि ये गलती से, जैसे कि मैंने कहा है, AI यूज़ किया है मैंने। चलो ठीक है, AI में सफ़र कर लेते हैं हम, आई मीन AC कोच में सफ़र करते हैं। ये कोच सही रहेगा, 3 टायर वाला। स्पीड लिमिट 40 का हो गया, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेता हूँ, और AI है तो भाई ये मेरी चलने नहीं देगा, ये अपनी मर्जी से हॉर्न मारता रहेगा। ठीक है, बेल साउंड मेरे हाथ में है, बेल साउंड में अपने हिसाब से मार सकता हूँ। पहला सेशन गाइस हम लोग यहाँ पे दिखा, त्रिपुनित्रा, सॉरी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हुआ। तो त्रिपुनित्रा स्टेशन पे हमें पहले ट्रेन को रोकना है, जो कि लगभग 6.5 किलोमीटर दूर है। देखो अभी भाई साहब फटाफट जोर जोर से हॉर्न मारा, क्योंकि इसका स्पीड हम ट्रेन का इंक्रीज किए हैं। इसे ऊपर आराम भी करना तो भाई आराम भी कर सकते हैं। खैर अर्ली मॉर्निंग में आई एम नॉट श्योर यहाँ पे आप लोगों को व्यू कैसा दिखेगा, बट ठीक है, फिलहाल हम लोग वॉशिंग पिट का ही देखते हैं। पर खैर वहाँ पे अभी वॉशिंग पिट चला गया है। सोलो रेवाती, गुड इवनिंग, वेलकम। दीपक भाई वचेता, गुड इवनिंग एंड वेलकम। लोकोमोटिव इसे देख लेते हैं, 60-60 में यही हम लोग का पोपट हो गया था। लोकोमोटिव का मैंने टेल लाइट ऑन किया, ऑन नहीं हुआ। हेडलाइट ऑन किया, ऑन नहीं हुआ। तो बाद में मालूम पड़ा कि भाई मैंने गलती से AI वाला कंसिस्ट बना लिया था, यानी जो लोकोमोटिव मैंने अटैच किया था इस कंसिस्ट में, वो AI है, प्लेयर का नहीं है। तो इसलिए आप लोग को साउंड बीच में अजीब सुनाई देगा, बिकॉज आप बोले कि भाई साहब ने तो थ्रॉटल ज़ीरो किया है तो भी ह्यूमिंग साउंड आ रहा है, या फुल स्पीड किया है तो भी थ्रॉटल अजीब आ रहा है। सिर्फ बेल साउंड जो इस समय बचा है ये मेरे कंट्रोल में है, बाकी का जो भी हॉर्न ये भाई साहब खुद ही अपने हिसाब से मारेंगे। और स्पीड भी देखो मैंने फुल किया, लेकिन फिर भी मेरे को स्पीड कंट्रोल करने नहीं दे रहे। सो थैंक यू हरे कृष्णा जी, त्रिपुनितुरा, ओके ऐसा है क्या नाम? ग्रेट, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग मी ब्रो।
बिकॉज एक्चुअली साउथ में सिर्फ एक ही बार गया हूँ, क्योंकि तिरुपति की साइड गया था, उसके बाद कभी साउथ में आना हुआ नहीं मेरा। सो लोकोमोटिव हमने यूज़ किया WDP 4D, हालांकि अनफॉर्चुनेट जैसे कि मैंने कहा, मैंने गलती से इसे प्लेयर लोकोमोटिव के बदले AI लोकोमोटिव दे दिया है, बट क्या ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। सिर्फ फ़र्क ये है कि अपना यूमिंग साउंड जो लोकोमोटिव का है, हेडलाइट्स है और हॉर्न है, ये अपने हिसाब से चलाएगा। कि भले मैं थ्रॉटल अभी ज़ीरो भी करूँगा तो भी भाई साहब अपने हिसाब से यूमिंग साउंड को कंट्रोल करेंगे, हॉर्न मुझे बजाने नहीं देगा। ये देखो हॉर्न भी खुद ही मार रहे हैं अभी, सिर्फ ये बेल साउंड मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, अभी थोड़ी देर अभी हम लोग ने ये जर्नी को स्टार्ट कर लिया तो इन्जॉय करते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो फिर हम लोग Web 7 भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आप लोग क्या कहते हैं, Web 7 यूज़ करना है तो बता दीजिएगा, हम Web 7 कंसिस्ट फिर प्ले कर लेंगे, और अगर चाहिए तो लोकेशन भी चेंज कर लेंगे। सॉरी वाटी, आई एम फाइन ब्रो, आप कैसे हो? आर्यन वर्मा, गुड इवनिंग, वेलकम। तो देखो मैं लोकोमोटिव को कितना हाई स्पीड में रन करने कर रहा हूँ, लेकिन ये स्पीड अप नहीं ले रहा, क्योंकि AI लोकोमोटिव वो अपने हिसाब से ही कंट्रोल करेगा। सो एक काम करते हैं, हम लोग क्विट कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग तो टाइमिंग भी चलो चेंज कर सकते हैं। हम लोग 5 के बदले 5:15 रखते हैं, या फिर 5:30 रखते हैं, ताकि थोड़ा और हमें मज़ा आ जाए। सो गाइस बता दीजिएगा आप लोग, इसमें आप लोगों को फ़िलहाल कुछ ही रूट्स दिखेंगे, आप लोगों को बताना चाहूँगा, सब रूट्स नहीं दिखेंगे, कि कुछ कुछ मैंने बैकअप के लिए अलग फोल्डर में सेव किया है, बिकॉज़ गेम पे सभी एसेट्स का लोड आता है। सो गाइस बता दीजिए कौन सी ट्रेन, अगर मेरे पास वो बनी हुई तो मैं डेफिनेटली उन्हें यूज़ करूँगा। टाइमिंग बता दीजिएगा, 6 बजे का चाहिए, चलो 6 बजे कर लेते हैं हम। लोकोमोटिव एंड कोच आप बता सकते हैं, तब तक हम भी चाय का मज़ा ले लेते हैं। ये अरे भाई आपका रूट बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने देखा, सीनेटिक भी काफ़ी है। तो गाइस 1 1 किलोमीटर बनाने को बहुत समय लगता है, सो ऑल दी बेस्ट ईच एंड एवरी रूट मेकर्स जो बना रहे हैं। सो Web 4 से ज़्यादा मज़ा मैं बताऊँ ना Web 7 में आएगा। Web 4 फिर भी मैं यूज़ करने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डेफिनेटली गो फॉर इट। सो 1 वोट Web 7, 1 वोट Web 4 को आया है, 2 वोट आ गया Web 4 को। सो रेवटी भाई एक ही बार लिखिए प्लीज़। सो 2 वोट आए हैं Web 4 को, 2 वोट आया है, नहीं सॉरी 1 वोट आया है Web 7 को। सो डेफिनेटली देखते हैं दोनों में से शायद कोई एक ही यूज़ होगा। सॉरी वाटी ब्रो प्लीज डोंट स्पैम, थैंक यू हैकिंग इलेक्ट्रॉनिक संदीप जी। ठीक है, Web 7 कहाँ है, 3 वोट आ चुके हैं Web 4 का। देखिए एक वीडियो आ रहा है हैकिंग, ये अपने हरे कृष्णा जी ने बनाया है, उसका वीडियो अपलोड हो रहा है। इनफैक्ट कुछ 4 या 5 GB बाकी है, मैं भी अपलोड को फिलहाल कैंसिल कर लिया था, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग पे असर होता है। सो नेक्स्ट टाइम विल डेफिनेटली गो फॉर Web 4, यानी जो कल का प्रीमियर रहेगा वो Web 4 के साथ रहेगा। नहीं, उन्हें डिलीट नहीं किया है, स्पैम की वजह से निकाला गया है। तो किंग लियो भाई गुड इवनिंग, वेलकम। अमोंग अस में आधा घंटा पहले खेल रहा था बट आप आए नहीं। ओके, मेरा Web 7 इधर है, फिलहाल मैंने लिमिटेड ही कंसिस बनाए हैं, आई एम नॉट श्योर इसमें से ICF वाला कौन सा है, सोमनाथ वाला, आई एम नॉट श्योर LHB की क्या है। चलो दुर्गावती को ले लेता हूँ, बिकॉज मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है कि कौन सा ICF है और कौन सा LHB है। भाई मिस्टेक तो होता रहता है यार, खा भी रहे हैं पी भी रहे हैं, क्योंकि आज एक्चुअली बहुत 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 ज़्यादा काम है।
फटाफट लोड हो गया है। सो गाइस वैप 4 का भी अपडेट आएगा नेक्स्ट ईयर, भारत स्ट्रीम ने प्लान तो किया है वैप 7 को, वो सॉरी वैप 4 को वो अपडेट करेंगे, तो उसमें भी वैप 7 जैसे ही फीचर्स आने वाले हैं। तो ठीक है, सुबह के 6 बजे भी अच्छा व्यू है, बट आई डोंट थिंक सो इसमें लाइट जलेगा, क्योंकि शायद इस गेम में सुबह के 6 बजे अंधेरा हो जाता है। 5:45 करते तो हम लोग को शायद कुछ सेशंस पे लाइटिंग दिखते थे। तो चलो एक बार देखता हूँ कौन सी ट्रेन है। ये LHB है, क्योंकि मेरे को EOG का साउंड पहले ही आ रहा था। कोई बात नहीं, LHB में हम लोग रन करेंगे, इसमें फ़िलहाल इंटीरियर तो नहीं रहेगा। और मैंने शायद दुग्रावती का लिया है, तो इसमें स्लीपर भी है। सो थैंक यू किंग लियो। वैसे काफ़ी समय लगेगा, फर्स्ट चैनल पे ज़्यादा लोड नहीं देना, इसलिए मैं थर्ड चैनल पे आया हूँ। एंड मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई थर्ड चैनल पे इस वजह खेलो यार, क्योंकि फर्स्ट चैनल पे कुछ कुछ लोगों के चैट्स मिक्स हो जाते हैं दूसरों के साथ, तो मैं लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो बोले कि भाई थर्ड चैनल पे ही लाइव स्ट्रीम करो थोड़ा टाइम, आपको भी हेल्प हो जाएगा। मैं चलो कोई बात नहीं, आप लोग की जो इच्छा। सो गाइस काफ़ी ब्यूटीफुल रोड बना है जरिन जी ने, और भी सीनरीज इसमें ऐड होंगे, असेट्स और बन रहे हैं। भारतीय रेल सिंह जी भी कोशिश कर रहे हैं और असेट्स बनाए, ताकि इस रूट को भी हेल्प करें। तो गाइस आप सब जानते हैं SR version 1 के अपडेट यानी रूट आने के बाद ही भारतीय रेल सिंह जी ने अपडेट किया अपने असेट्स को और आप लोगों के सामने पेश किया है, ताकि आप जो न्यू ट्रक्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ट्रक्स कौन से हैं जो अभी नए अपडेट में आए थे। ये देखिए, ये वाला जो ट्रक है ये उन्होंने न्यू अपडेट में ऐड किया हुआ है। तो चलो अभी ट्रेन को डिपार्ट कर ही लेते हैं हम। सिग्नल भी हमारा येलो हो चुका है। या थैंक यू हरी भाई, एक्चुअली कंसिस्ट ऐसे ही बना लिया था मैंने, तो थैंक्स। मैं इस चीज़ को नोट करता हूँ और Web 7 HOG में EOG ऑफ वाला ही यूज़ करूँगा, बिकॉज़ यस हेड ऑन जनरेशन ऐसा कुछ मैंने सुना है। भाई लैग तो ज़रूर मारेगा, इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता ही है आजकल बहुत, इसलिए मैं ज़्यादातर प्रीमियर्स कर रहा हूँ, बिकॉज़ प्रीमियर में लैग कम होगा। लाइव में चलो मैं बोला कि आज मिल लेता हूँ आप लोगों से, बिकॉज़ इसके बाद मेरा मिलना मुश्किल रहेगा आप लोगों के साथ, बिकॉज़ जैसे कि आप सब जानते हैं मुंबई में काफ़ी ऑफिसेस अभी स्टार्ट हो गए हैं कम स्टाफ के साथ, लेकिन काम रिज्यूम हो गया है और मुझे अभी कहा गया है कि भाई ऑफिस ज्वाइन कर लो, इसलिए मेरे को आज छुट्टी करके मैंने बोला कि चलो आप सभी से आज हम मिल लेते हैं। किंग लियो भाई वेलकम अगेन, नया चैनल खोला है फिर से। या दैट्स राइट, इनफैक्ट मैंने मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में देखा था, उसमें EOG की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। इनफैक्ट फर्स्ट कोच EOG जैसा नहीं था। जी ये बात सही है हरी कृष्णा जी, सेम ऐसा ही है। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में एक EOG है, लोकोमोटिव के पीछे EOG नहीं है, यानी SLR जैसा है। LHB मैं कह रहा हूँ, LHB की बात कर रहा हूँ, यानी उसमें लगेज है, बट उसमें EOG वाला नहीं मशीन देखा मैंने इन लोकोमोटिव के बाद। हाँ पता है मुझे किंग लियो भाई, वो तुम ही हो, एकदम सब नोट करके रखता हूँ मैं भाई।
अभी ट्राई जरीन भाई को सजेस्ट करूँ कि सुबह 6:30 तक एटलीस्ट लाइट्स ऑन होने चाहिए, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे अंधेरा अंधेरा काफ़ी हो गया है। एक्चुअली मेरा जो कंसेंस बनाने का लिस्ट है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, और अभी मैं इनफैक्ट वही सोचा कि अभी कुछ दिन थोड़ा कंसेंस पे ही फोकस करूँ। एंड यस आई विल इंश्योर कि जो आप लोगों ने मुझे टिप्स दिए, जैसे कि हरी जी आपने खास करके बताया EOG का HOG का, वो चीज़ को भी ध्यान रखूँगा। और जो थोड़ी देर पहले एक चीज़ देखा था मैंने कि वो WDP4D जो मैंने अटैच किया था वो AI का था। खैर वो एक एक सिंगल कमांड डालूंगा और प्लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अच्छा इसी बहाने मालूम तो पड़ा कि भाई मैंने प्लेयर के बदले AI वाला यूज़ कर दिया है, क्योंकि AI का भी एक अलग से लिस्ट बना है, लेकिन उसको जो मैंने नाम दिया था वो ये वाला नहीं था। होता है ऐसा सब YouTube के जैसे। यस गाइस, जो भी रूट बनाना, एक चीज़ सजेशन दूंगा, क्विक ड्राइव ज़रूर बनाना, बिकॉज क्विक ड्राइव एक रूट का कहीं ना कहीं बेसिक डिमांड रहता ही है। बेसिक सिनेरियो होना चाहिए ताकि जिसे भी एक्सप्लोर करने अपने फेवरेट लोकोमोटिव्स, कोच, टाइम, वेदर के साथ, वो क्विक ड्राइव से ज़रूर करे। WCR का मेरे को पहला फाइनल अपडेट कल मिला है, मैंने चेक किया, आप लोग को वीडियो भी मैंने इस चैनल पर दिखाया है। तो जो आप लोगों को फिलहाल दिख रहा है सजेशन ज़रूर दीजिएगा HR गेम वर्ल्ड जी को पर्सनली। और इसमें और असेट्स ऐड होंगे, और भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, इसलिए ट्रायल 1 लिया गया है। बाद में और ट्रायल्स लेंगे हम, फिर उसके बाद जब फाइनल हो जाएगा तो आई थिंक सो December 1st week में WCR का फाइनल वो अपडेट आप लोग को मिल जाएगा। फाइनल इन द सेंस इस पहले बेटा का जो फाइनल अपडेट है, बाकी ये रूट के और भी अपडेट्स आने वाले हैं जिसमें और एनिमेशंस रहेंगे। फिर उसके बाद आप लोग को रूट का फाइनल एक्सटेंशन भी मिलेगा जल्दी, जो कि अगले साल होगा। देखिए YouTube ग्लिच एग्जैक्टली नहीं होता है, कुछ बॉट्स होते हैं जो YouTube आइडेंटिफाई करके रिमूव करता है। सो आप चेक कीजिएगा कि मेरे को लगता है कि आपके चैनल में बॉट्स आ रहे होंगे। विच रूट की, कौन से रूट की? देखिए ज़्यादातर सभी रूट्स पेवर ही रहते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत से बनते हैं, काफ़ी समय लगता है, महीने लगते हैं। अकोला खांडवा रूट देखिए फ्रीवेयर है, आप चाहें तो वो खेल सकते हैं। आज ही मैंने अकोला खांडवा का एक वीडियो बनाया है, बेसिक है, अच्छा है, इन्होंने बनाया है, रेल गेम सिमुलेशन जी ने दिया था इंटरसिटी का। तो यस कुछ चेंजेस सजेस्ट किया है उनको भी मैंने। और यहाँ पे हमारा लोकोमोटिव बहुत स्लो चल रहा है भाई, क्योंकि स्पीड लिमिट हमें 15 का मिला हुआ है। भाई किसकी मेहनत को तो कभी नॉन अफोर्डेबल ना कहो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं। देखिए मेरे को भी कोई चीज़ महंगा लगता है तो मैं सामने को ऑनेस्टली बोलता हूँ मैं बाद में लूँगा, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं लूँगा, एक्सपेंसिव रहेगा। आज आप ज़्यादा अर्न कर रहे हो तो आपके लिए वो चीज़ मामूली रहेगी, आप कहोगे ठीक है ना इतने का ना ले लूँगा, तो ऐसा नहीं। आई मीन मैंने कुछ को लोगों को भी देखा कमेंट में लिखता हूँ थोड़ा इतने का है, ओ इट्स टू एक्सपेंसिव, व्हाट्सएप पे आता है अरे ये तो बहुत ही महंगा है ना। ठीक है भाई खुद एक रूट बना के देख लो। IDF5 का स्पीड लिमिट मिला है। सो आर्यन वर्मा गुड इवनिंग, वेलकम अगेन भाई। साइडिंग वाला ट्रैक तो अभी छोड़ दिया है, अभी हम ज्वाइन करेंगे मेन लाइन को, फिर धीरे धीरे हमारी ट्रेन का स्पीड बढ़ के 100 110 तक जाएगा, यानी धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा 25 40, फिर उसके बाद 60 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर बीच में 70 आएगा। लगभग मुझे याद ही हो चुका है इस रूट का भी। सो अपूर्वा भाई ETS अभी रात को ही खेलूँगा, प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिएगा।
बिकॉज मल्टीप्लेयर खेलेंगे तो फिर हम लोग सब साथ में रात को ही खेलेंगे। अभी इनफैक्ट मुझे थोड़े देर बुलाया गया है ऑफिस के लिए, जिसको मेरे को 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, तो डायरेक्ट इसके बाद मैं आप लोगों को रात को ही मिलूँगा। क्योंकि कुछ सबमिट करना है वहाँ पे जाके, ताकि मंडे को मेरे लिए स्मूथ एंट्री हो वहाँ पे, कुछ फॉर्मेलिटी से पूरे करने के लिए। वो होने के बाद मैं फिर वापस जल्दी घर पे आके आप लोगों के साथ फिर लाइव स्ट्रीम खेलूँगा। ETS 2 का ट्रेन सिम वर्ल्ड का भी प्लान है आज का, तो वो डेफिनेटली आज खेलूँगा ही खेलूँगा, क्योंकि इसके बाद मुझे समय कब मिलेगा इवन आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। हाँ अरे भाई देखिए, एक्सपेंसिव एग्जैक्टली ठीक है हो सकता है, बट सभी एसेट्स उन्होंने खुद से बनाए एंड उन्होंने तो इनफैक्ट कुछ 16 की 18 दिन, आई एम वेरी ऑनेस्ट, 16 से 18 दिन उन्होंने कुछ छुट्टी ली थी बीच में, ताकि आप लोगों को वो जल्द से जल्द रूट देवे, और जो प्लान था 26 सितंबर का, उस तारीख पे उनका रूट रिलीज़ हो जाए। क्योंकि गाइस आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी लोग घर पर है, हम भी घर पे काम कर रहे थे अभी, तो चलो अभी मैं ऑफिस जाना चालू करने वाला हूँ, इसलिए मैं थे बोल रहा हूँ। तो हम लोग को सब लोग को एक बेनिफिट था कि हम लोग घर पे ही बैठे बैठे काम कर रहे, कमा रहे हैं ऑफिस का काम यानी। लेकिन HR गेम वर्ल्ड यानी सुरेंद्र जी जो मिलिट्री में, उनको रेयरली घर पे मौका मिला, लॉकडाउन हो या फिर कर्फ्यू हो, उनको अपनी ड्यूटी देनी थी, क्योंकि वो मिलिट्री में, तो आप लोग तो जानते ही काफ़ी जगह पे मिलिट्री को रखा गया था, ताकि जो लॉकडाउन वाला जो कर्फ्यू लगा हुआ है काफ़ी जगह पे, वो अपने इस ड्यूटी को निभा पाए। सो थैंक्स टू हिम, उन्होंने हम सभी के लिए इतना समय निकाला, रूट बनाया एंड इंश्योर किया कि आप लोगों को रूट समय पे मिले। चलो एट लास्ट अभी ट्रेन को मैं स्पीड अप कर पाऊंगा। ट्रेन सिम वर्ल्ड देखिए आप स्टीम में जाके देखिए, अगर आपको वो प्राइस अफोर्डेबल लगता है आप डेफिनेटली डाउनलोड कीजिएगा। क्यों देखो, मैं तो जानता नहीं कि आप कौन से अमाउंट पे अफोर्ड करोगे, आपने क्योंकि पूछा है कहना है अफोर्ड TSW, मैं आपको बताऊं भाई इतना इतने इतने का है, आपका अगला कमेंट यही आएगा सॉरी आई कैन नॉट अफोर्ड या इट्स एक्सपेंसिव। सो बेटर आप स्टीम में जाइए और वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा गेम कितने का है। क्योंकि गाइस देखिए, आई नो काफ़ी लोग बोलते पे वेयर करेंगे लेंगे, लेकिन लेते हैं क्रैक वर्जन, ये डेफिनेटली हर एक का सोच है, जो कि मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन सजेशन यही रहेगा हमेशा जितना हो सके पे वेयर लीजिए, फ्यूचर अपडेट्स मिलेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा सामने वाला आपको खुशी खुशी हेल्प करेगा, सल्यूशन देके रहेगा। वही पायरेसी के चक्कर में, क्रैक वर्जन के चक्कर में जाओगे फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगा जी। वही वही बात है, वर्थ ही उनका, क्योंकि देखिए एक्चुअली उनके रूट में गाइस एक चीज़ बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों को एक चीज़ का कन्फ्यूजन है कि WCR V1 जो रूट है वो महंगा है, महंगा नहीं गाइस, उसमें उनके असेट्स के भी प्राइस इंक्लूडेड है, आप देख सकते हैं उन्होंने अपने रूट में 90% खुद के असेट्स यूज़ किए हैं, बाकी के जो है वो भारत सिंह के हैं, यानी सिग्नल्स बोलो, ट्रैक वर्क बोलो, या कुछ माइनर और चीज़ें हैं जो भारत स्ट्रीम के यूज़ किए हैं। तो 90% किसी ने अपने खुद के असेट्स बनाए हैं, काफ़ी दिन रात लगाए हैं असेट्स को सही करने में, और आज का भी मेरे को वीडियो इसलिए अपलोड करना पड़ा WCR का, ताकि आप लोगों को बताऊँगी गाइस देखिए FPS अभी इम्प्रूव हो गया है, जहाँ जहाँ पे गेम ज़्यादा लैग मार रहा था वहाँ पे अभी बिल्कुल नहीं मार रहा है। यस रूट अभी भी लैग थोड़ा मारेगा गाइस, आई एम वेरी ऑनेस्ट, रूट अभी भी लैग मार सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना पहले मारता था। श्योर किंग लियो भाई, सी यू अगेन, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। इसी कोच को ज़्यादा ही पीछे था, सोचा कि चलो इसी कोच में बैठ के बातचीत करते हैं। सो कैसे नहीं, इसे समय इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई कोई लोग जस्टिफिकेशन मांगना चाहते हैं कि भाई ये रूट इतना एक्सपेंसिव क्यों है, फिर उनको बताना पड़ता है कि भाई तुम सिर्फ रूट क्यों देख रहे हो, तुम्हें रूट के साथ असेट्स भी मिला है,
दैट्स द रीज़न रूट का प्राइस वो है। सो यू नेवर थिंक कि रूट का प्राइस वो है, रूट का प्राइस उसमें 300 350 ही है, बाकी का जो प्राइस है वो असेट्स का, और फ्यूचर में और असेट्स आ रहे हैं। आप लोगों ने आज के वीडियो में ज़रूर देखा होगा रूट का जो नया एनिमेटेड बोर्ड है, बहुत ही सुंदर है। सुबह का मैंने रन किया था, सुबह की ट्रेन का डिस्प्ले हो रहा था। अभी दोपहर का जब मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा तो उसमें दोपहर की ट्रेन्स का नाम डिस्प्ले होएगा, और उसके बाद जो अपडेट आएगा, क्योंकि अनाउंसमेंट में गाइस काफ़ी समय लगेगा और वो बिजी भी है, सो उसमें आप लोग को स्टेशन के अनाउंसमेंट्स भी मिलेंगे, यानी उस स्पेसिफिक ट्रेन का, जैसे कि सुबह को जो आप लोग को लिस्ट दिखे थे ट्रेन का मेरे वीडियो में, वही ट्रेन का अनाउंसमेंट होगा। फिर दोपहर को अगर आप पहुँचोगे तो दोपहर के ट्रेन्स का डिस्प्ले दिखेगा और उनके अनाउंसमेंट्स होंगे। सो काफ़ी कुछ अंडर ट्रायल चल रहा है, समय लगेगा। सो खैर, और 5-10 मिनट इस ट्रेन को रन करते हैं हम, मैं सोचा आप लोग से एक बार मिल लूँ और आप लोग को अपडेट्स भी देता रहूँ। फिलहाल इस सेक्शन में आप देख सकते हो स्पीड लिमिट्स बहुत है, कभी 40 होता है, कभी 60, कभी 70, कभी 80, कभी 90, कभी 100, कभी 110। मेहनत बहुत लगती है गाइस, ट्रस्ट मी। रूट बनाना ये नहीं होता है कि भाई मैंने ट्रैक बिछाया, सीनरीज ऐड किया, सिग्नल ऐड किया, काम खत्म। आप लोग को बहुत सारे चीज़ उसमें ऐड करने पड़ते हैं, मार्कर्स ऐड करने पड़ते हैं, फिर कमांड स्क्रिप्ट भी कुछ कुछ होते हैं। स्क्रिप्ट तो खैर बहुत दूर की बात रहती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को ट्रैक्स पे बंदे लोग एनिमेशन कैसे चाहिए, बंदे लोग गलती से खंबे के बीच में से ना जाए, वैसा आप लोग को बनाना पड़ता है, यानी बहुत माइनर चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। सो एक्चुअली इट्स नॉट ईजी। कभी कभी सिग्नल भी ठीक है, सिग्नल्स में ग्लिच आया नो, बट कभी कभी हम लोग को सिर्फ सिग्नल पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, नहीं भाई BSK से, यानी मैंने कुछ कुछ रूट मेकर्स को देखे जो आने वाले रूट है, उस बंदे ने बोला कि यार एक ऐसा से रूट है यार, यानी कैसा सिग्नल है, काम ही नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो मैंने उनको थोड़ा सा कह दिया कि भाई आपने सिग्नल गलत प्लेस किया है, भले मुझे रूट इतना बनाना नहीं आता, बट इतना नॉलेज है टेस्टिंग करते करते कि आपको यहाँ पर ये सिग्नल यूज़ करना चाहिए, आपने ये यूज़ किया है। और अगले दिन बंदे ने उस चीज़ को चेंज किया एंड ही वॉज़ हैप्पी कि एटलीस्ट सिग्नल काम तो कर रहा है, पहले से तो बेहतर काम कर रहा है। वैसे यहाँ पे मेरी ट्रेन शायद रुकनी चाहिए थी, पर भाई साहब रुके नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म की तरफ ही नहीं था मेरा ट्रेन, एकदम मेन लाइन से ही घुसा दिया। स्टेशन का नाम भी देखूं भाई, यही है। यस, तो एक क्विक ड्राइव में भी कुछ पंगा हो गया भाई। एनीवेज, ये शायद मेन लाइन की तरफ था। तो खैर, थैंक्स ईच एंड एवरीवन फॉर जॉइनिंग ऑन माय लाइव स्ट्रीम। सी यू सून, टेक केयर, स्टे सेफ। मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी अपने अगले वीडियो में। अमोंग अस तो खैर आज खेल लिया ETS 2 और ट्रेन सिम वर्ल्ड रात को खेलेंगे, तब तक मैं जल्दी से भागता हूँ ऑफिस में, थोड़ा काम करके आ जाता हूँ, छोटा सा फॉर्मेलिटी है। सी यू सून गाइस, टेक केयर।